Hello and welcome to Before Exams. Here we help you to prepare for your competitive examinations. Subscribe to our channel so that whenever we post the content about your exam, you get the notification about it. Hello everyone. In today's video, we will be talking about banking in economics. So how banks are important in economics and banking kya ek particular tarika hai. बैंकिंग इस एक्टिविटी को बोला जाता है एंड हाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरकनेक्टेड वी विल बी स्टडीइंग अबाउट ऑल दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सो बिफोर वी स्टार्ट दिस लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली बैंक्स एंड बैंकिंग मीन अगर हम बैंक की डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले एक अगर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें और बैंक की डेफिनेशन की तो जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है इंडिया का वो डिफाइन करता है बैंक को एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द वेरी पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट रिपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉएबल बाय चेक्स ड्राफ्ट्स और अदरवाइज तो दिस इज योर बैंकिंग बैंकिंग होती ये तो बैंक है सॉरी दिस इज योर बैंक एंड बैंकिंग एज अ प्रोसीजर क्या होता है व्हाट इज बैंकिंग एज अ प्रोसीजर तो बैंकिंग एज अ प्रोसीजर एक ऐसा सिस्टम है जो एक मनी ट्रेडिंग का सिस्टम हम जिसे बोल सकते हैं जो कि प्रोवाइड करता है एक सेफ प्लेस टू सेव एक्सेस कैश जिसे हम डिपॉजिट्स भी बोलते हैं और ये हेल्प करता है इन सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी टू द इकोनॉमी बाई लोनिंग द मनी आउट टू हेल्प बिजनेसेस ग्रो एंड टू अलाउ कंज्यूमर्स टू परचेज द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फोन्स कार्स एक्सेट्रा कुछ भी तो जब हम इस पूरे ओवरऑल प्रोसीजर की बात करते हैं तो बैंकिंग क्या है इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग मनी दैट प्रोवाइड्स अ सेफ प्लेस टू सेव एक्सेस ऑफ कैश जिसे हम डिपॉजिट भी बोलते हैं एंड इट ऑल्सो सप्लाईज लिक्विडिटी टू द इकोनॉमी बाई लोनिंग दिस मनी आउट टू हेल्प बिजनेसेस ग्रो एंड टू अलाउ कंज्यूमर्स टू परचेज द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द होम्स कार्स एक्सेट्रा तो ये हो गया हमारा बैंकिंग बैंकिंग जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर सेक्शन 5B के अंदर डिफाइंड है और वो बोलते हैं कि इट इज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विदड्रॉ दैट इज अवेलेबल बाय चेक ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज No definition of banking can be comprehensive enough in the present context. क्योंकि यहाँ पर comprehensive इसलिए नहीं हो सकती because it is a very umbrella sort of organization, banking, एक ऐसा institution है. So हम क्या बता सकते हैं banking के बारे में कि हम किसी को lend करने के लिए या invest करने के लिए हम पैसों को accept करता है bank, ठीक है और मनी उसके अंदर डिपॉजिट की जाती है पब्लिक रिपेएबल पे और फिर उसे पब्लिक को दी भी जाती है ऑन देयर डिमांड मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है तो यू कैन विदड्रॉ इट डेफिनेटली यू कैन और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो बैंक उसे फर्दर इन्वेस्ट करता है आप लेंड करते हो किसी को बैंक लेंड करता है दैट इज हाउ दिस होल प्रोसीजर वर्क्स दिस इज योर बैंकिंग एक बैंक जो है वो क्या है बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है वॉट इज एन इंटरमीडियरी इंटरमीडियरी है सॉर्ट ऑफ लिंकेज ठीक है इट इज अ लिंक इट सर्व्स एज अ लिंक आपके बीच में और आप और आपका बैंक और आप उस पर्टिकुलर पैसे का क्या करना चाहते हो उन तीन कंडीशंस के बीच में जो इन दो कंडीशंस के बीच में जो लिंक है दैट इज योर बैंक यानी आपका पैसा और आपको उसके साथ क्या करना है तो दिस इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एंड नॉट जस्ट योर मनी विच यू यूज फॉर योर सेल्फ आपके पैसा जो आपने वहां डिपॉजिट किया है बैंक ऑल्सो फर्दर इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर राइट दैट इज हाउ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क्स सो हम ये भी कह सकते हैं कि बैंक जो है इट स्टैंड्स मिडवे बिटवीन द सेवर्स एंड यूजर्स ऑफ फंड्स एक तरफ जो अपने पैसे को सेव कर रहे हैं इन द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड दोज हु आर यूजिंग दोज फंड्स फॉर देयर ओन पर्पस लोन के फॉर्म में ग्रांट्स के फॉर्म में किसी भी फॉर्म में अलग अलग टाइप के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री में कुछ कॉमन है कुछ हैव स्पेशल फंक्शंस तो हर एक टाइप का वी हैव अ बैंक प्रोमिनेंट बैंक्स है हमारे सेंट्रल बैंक कमर्शियल डेवलपमेंट
कोऑपरेटिव एंड रूरल बैंक्स. ऑलराइट, जो सेंट्रल बैंक है हमारा, दिस इज द कमर्शियल, जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये हमारे कमर्शियल और डेवलपमेंट बैंक्स के फंक्शनिंग में अलग है, ठीक है. एंड ये तीनों बैंक्स बेसिकली अगर हम इन्हें साथ में पढ़े तो दे आर ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बैंक है इफ वी टॉक अबाउट देम. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक पूरा चार्ट आई गिवन यू कि कितने टाइप के बैंक होते हैं. तो वी हैव सेंट्रल बैंक, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, देन कमर्शियल. शेड्यूल्ड का ही हमने डिविजन किया इनटू कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव. ऑलराइट, देन वी हैव प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, रीजनल, रूरल, नेशनलाइज्ड, अदर्स. हमारे स्पेशल बैंक्स हैं डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल. कोऑपरेटिव बैंक्स की भी टाइप है, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, प्राइमरी एग्रीकल्चर. So these are the kinds of bank. Okay. Now we will talk about commercial banks in particular. Bank ki agar kabhi baat hogi, one thing that you have to keep in your mind is every bank serves as a financial intermediary. How? Every bank serves as a financial intermediary. Only objective or the primary objective, the prime most objective, only to nahi bol sakte, is profit making. Har ek bank ka the primary objective is profit making. Bank takes money from a surplus unit by paying a low rate of interest and lends the same fund to a deficit unit at a higher rate of interest, and thus the bank makes profit. Okay, aur bank ko hum kya bol sakte hain ki it is a dealer in credit. बैंक डील्स विद क्रेडिट. ऑलराइट, तो इट इज अ डीलर इन क्रेडिट, ये भी उसका फंडामेंटल एक कैरेक्टर है. ओके, इट मे बी ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेटली बाय एनीबॉडी और बाय अ गवर्नमेंट. तो बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट ओन बैंक्स होते हैं एंड वी हैव गवर्नमेंट ओन बैंक्स, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन बैंक्स. एंड अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो प्राइमरी फंक्शंस है वो डिपॉजिट एंड लोन फंक्शंस है बैंक के, ठीक है. और डिपॉजिट कितने तरीके के होते हैं, डिपॉजिट तीन तरीके के होते हैं, डिमांड, या फिर जिन्हें हम करंट डिपॉजिट भी बोलते हैं, सेविंग डिपॉजिट, और हमारे फिक्स डिपॉजिट जिन्हें हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं. तो ये है हमारे तीन टाइप के डिपॉजिट के बैंक. नाउ कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो हमने अभी इनके फंडामेंटल्स की बात करी. तो जो भी फंड यहाँ पे ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल, दे आर पूल्ड टुगेदर एंड लेंड टू द यूजर्स ऑफ कैपिटल, ठीक है. अब लेंडिंग की बात आई है तो इट इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ कि बैंक्स जो है दे डू नॉट लेंड द एंटायर सम ऑफ डिपॉजिट, नो, रादर दे लेंड अ पोर्शन एंड दैट पोर्शन इज केप्ट एंड द अदर पोर्शन इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो जो पोर्शन उन्होंने कैश की फॉर्म में रख लिया है उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो, विच इज नीडेड इन ऑर्डर टू मीट द अनफोर्सीन डिमांड्स ऑफ सम डिपॉजिटर्स. तो ये वो वाला पोर्शन है जो बैंक्स ने कैश में अपने पास रख लिया है, ठीक है. इन द लोन्स एंड एडवांसेस बैंक्स मेंटेन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑल्सो in order to seek a balance between the liquidity and profitability. So what we can say is that banks have the whole loan advance wala procedure, and in order to maintain a diversity in this, they have this diversified portfolio to maintain karke rakhte in order to seek a balance between liquidity and profitability. Okay, also banks perform some other functions like they enhance their yield, they keep valuables in their custody, वो वैल्यूएबल्स कस्टडी करके भी यील्ड बढ़ाते हैं. दे कलेक्ट चेकेबल अमाउंट, वो शेयर्स को परचेज एंड सेल करते हैं, डिबेंचर्स. ऑल्सो वो एजेंट की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन देयर कस्टमर्स, ठीक है. एंड बिसाइड्स ऑल दिस दे एक्ट एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स ऑफ विल्स ऑल्सो. सो क्या हो गया फिर यहाँ पे, दीज आर द ऑल फंक्शंस एंड दे ऑल्सो पे बिल्स ऑफ द कस्टमर्स. सो कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस है दे आर वेरी and very distinctive in nature. अगर हम modern functions की बात करें तो commercial banks जो है वो perform करते हैं और भी सारे functions, like वो अपने customers को different services भी provide करते हैं, and they are also regarded as departmental store bank. तो ये terminology इनके लिए use की जाती है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बहुत तरीके की services अपने customers को provide करते हैं जो commercial banks होते हैं, ठीक है.
तो हमने अभी दो तरीके के इनके फंक्शंस देखे, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फंक्शंस, जिन्हें मैंने अभी मॉडर्न फंक्शंस भी बोला। तो प्राइमरी फंक्शंस जो है उनके ये दो टाइप्स होते हैं, ये बात आप याद रखना। सबसे पहला फंक्शन होगा एक्सेप्टिंग लोन्स, ठीक है। अब लोन्स तो एक्सेप्ट किए तो वो किस फॉर्म में होंगे, सेविंग डिपॉजिट की फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में, करंट डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। एंड दे ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस, तो किस फॉर्म में होगा, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स, डिस्काउंटिंग, ये है प्राइमरी फंक्शंस बैंक के। जब हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात करते हैं तो दो टाइप उसमें भी होते हैं। नंबर वन इज द एजेंसी फंक्शंस, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज देयर, देयर इज पीरियोडिक पेमेंट, देन वी हैव चेक, चेक कलेक्शन, फिर हमारा हो जाता है और भी सारे प्रोमिनेंट फंक्शन जो कि एक अलग टाइप है इसका। देन वी हैव द यूटिलिटी फंक्शंस, जैसे कि लॉकर्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, वी हैव सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और बाकी सारे अदर फंक्शंस। तो ये कमर्शियल बैंक के कुछ प्रोमिनेंट फंक्शंस हैं। जब हम बात करते हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की, तो पीपल हु हैव सरप्लस फंड विद देम, दे ऑलवेज डिपॉजिट दीज विद कमर्शियल बैंक। तो बैंक्स एक्सेप्ट मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, जैसे करंट, सेविंग और फिक्स डिपॉजिट, जिसके बाद मैंने आपसे अभी की। तो सबसे पहले अगर हम करंट डिपॉजिट की बात करें तो क्या होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में डिपॉजिट जो होता है वो डिमांड पे पेएबल होता है, ठीक है। और करंट अकाउंट्स जो है उन्हें हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो ये अकाउंट बेसिकली ट्रेडर्स और बिजनेसमैन ही यूजुअली ऑपरेट करते हैं, बिकॉज दे नीड अमाउंट व्हेन इट्स, बिकॉज उन्हें जो डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट होती है वो बोल सकते हैं इन प्रॉम्प्ट डिमांड, जो कि उनकी पर्टिकुलर डिमांड के बेस पर ही बैंक उन्हें फॉरवर्ड करेगा। नाउ बैंक्स डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट्स, ये बात आप हमेशा याद रखना कि करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट बैंक नहीं पे करता है। बैंक्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द करंट अकाउंट होल्डर्स, जैसे कि चेक के बेस पे पेमेंट करना, कलेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ चेक, ऑल्सो ड्राफ्ट भी इशूज कराए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो करंट अकाउंट पे आपको मिलती है। बैंक्स इनफैक्ट लिवाइज सर्टन सर्विस चार्जेस एज वेल ऑन द कस्टमर फॉर द सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय देम। अब हमारा सेविंग्स बैंक अकाउंट है, हमने अभी क्या किया, वी डिड द डिमांड, अब हम करेंगे सेविंग्स। सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है यहाँ पर क्या होता है, डिपॉजिट्स आर पेएबल ऑन डिमांड एंड मनी कैन बी विड्रॉन बाय चेक्स, ऑलराइट। एंड बैंक्स इम्पोज अ लिमिट ऑन द अमाउंट एंड द वेरी नंबर ऑफ विड्रॉल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। और ये जो अकाउंट्स है दे आर हेल्ड बाय हाउसहोल्ड्स, जो कि जिनके पास आइडल कैश होता है फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सेविंग्स की बात हो रही है, आइडल कैश फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑलराइट। और ये जो डिपॉजिट है इस पर्टिकुलर अकाउंट में, इन डिपॉजिट्स को इंटरेस्ट भी अर्न होता है, लाइक नॉमिनल नोट्स के फॉर्म में, सो दे अर्न इंटरेस्ट एज वेल। नाउ हमारे फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट्स, जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट डिपॉजिट्स हैं हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर, ये क्या है, दिस इज अ मनी विच इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, जैसे कि 6 महीने के लिए हमने कोई डिपॉजिट कर दिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट का। These deposits are not payable on demand. No. ये in fact time deposit इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि जो money यहाँ पे deposit आपने की है वो withdraw नहीं कर सकते आप before maturity. Okay. जिस भी period के लिए आपने ये deposit account बनाया है उसकी maturity से पहले you can't withdraw that. Also ये जो डिपॉजिट्स हैं इन पे इंटरेस्ट भी अर्न करना होता है, तो इंटरेस्ट भी अर्न होता है इनके ऊपर, सो दीज आर इंटरेस्ट अर्निंग डिपॉजिट। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट वेरीज विद द लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच द डिपॉजिट हैज बीन मेड। ओके, हमने एक और एग्जांपल किया था रेकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट, ये है वन टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट ओनली। तो यहाँ पर क्या होता है, डिपॉजिटर जो है वो रेगुलर डिपॉजिट करता है एक सर्टेन अमाउंट की फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो वो हो गया आपका रेकरिंग या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। और ये डिजाइन किए गए हैं ताकि स्मॉल सेवर्स को मोटिवेशन मिले, एक पर्टिकुलर अमाउंट को सिक्योरिटी मिले, और अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है बट स्टिल यू वांट टू स्टेप इनटू दिस सेविंग थिंग, तो व्हाट यू कैन डू इज रेगुलर टाइम पीरियड पे यू कैन हैव दिस पेटी इन्वेस्टमेंट, आप 5,000 करके सेव करो, कुछ भी करो, दैट बिकम्स योर रेकरिंग और योर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट।
All right. So that was all about your commercial banks. हमने इनके जब functions की बात की थी, तो हमने एक और बात की थी कि ये loans जो हैं, loan को advance करते हैं commercial banks. ठीक है? तो loan advance करने का क्या मतलब है? कि lending is the most profitable business of a bank. Banks जो हैं, उसी के ऊपर interest charge करते हैं from the borrowers. And more, जो interest है वो more than the basically depositor जिन्हें जितना pay किया है उसके उन्हें जो interest मिला है उससे ज़्यादा ही interest होता है. So banks these days extend loans and advances to their customer. और वो किस तरीके से किया जा सकता है? They sort of outright the loans. ठीक है, तो banks जो है वो outright loan provide करते हैं fixed period के लिए. The entire amount of the loan which is sanctioned is credited to the borrower's current account. And जो borrower है वो क्या करता है, वो interest pay करता है इस पूरे amount के ऊपर जो भी borrow की गई है. Alright, तो यहाँ पर कुछ और भी functions है जैसे कि cash credit, overdraft facility, discounting bills of exchange. अगर हम cash credit की बात करें तो जितना भी अमाउंट सैंक्शन की गई है ऑफ द लोन बाय द बैंक्स, इट इज नॉट गिवन टू द बोरोअर एट अ पर्टिकुलर टाइम. ऑल्सो द बैंक ओपन्स एन अकाउंट ऑफ द बोरोअर एंड इट अलाउज हिम टू विदड्रॉ द बोरोड अमाउंट एज एंड व्हेन ही रिक्वायर्स द मनी. ऑलराइट, एंड द बैंक ऑल्सो चार्जेस इंटरेस्ट ऑन इट, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन बट ऑन द एक्चुअल अमाउंट व्हिच इज विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्या होती है? It is when the customer is allowed to draw checks in excess of the balance standing to his credit to the extent of the amount of overdraft. Okay. और कई बार for businessman जो overdraft facility होती है वो easiest मानी जाती है और बहुत convenient method है borrow करने का bank से. अब एक और बहुत important and prominent terminology हम witness करते हैं, which is our discounting bills of exchange. क्या होता है discounting bills of exchange? सबसे पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर ऑन द डेटर स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ डेट. और यहाँ पर डेट भी जो है जो कि कब पेएबल होगा ये, कभी पेएबल हो जाएगा, वो भी स्पेसिफाइड होती है. एंड सच बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस आर नॉर्मली इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज. हम सबको पता है ये बात. एंड द क्रेडिटर्स कैन नॉट गेट इट इन कैश फ्रॉम द डेटर बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द 90 डेज पीरियड. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. हाँ, अगर क्रेडिटर को पैसा चाहिए बिफोर 90 डेज का पीरियड, ही कैन गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक. और बैंक जो है वो क्रेडिटर को पेमेंट करता है कमीशन डिडक्ट करने के बाद. ठीक है, और जब बिल मैच्योर हो जाती है तो बैंक क्या करता है, बैंक जो है वो डेटर से क्या ले लेगा, पेमेंट लेता है. दीज आर द अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. नाउ facilitation of payment through checks is also a prominent feature of commercial bank because banks provide a very convenient system of payment in the form of checks. And checks jo hai wo bahut principal method hai payment ka aur business mein khas kar aajkal. So it is convenient, it is cheap, it is safe. Transfer of fund jo hai, yani banks jo hai wo madad karte hai remittance mein, transfer of fund mein ek jagah se dusri jagah. And various credit instruments bhi use hote hain like check, draft, mail transfers, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स एज वेल. ऑल्सो बैंक के कुछ एजेंसी फंक्शंस होते हैं, लाइक दे प्रोवाइड वेरियस एजेंसी फंक्शंस फॉर देयर कस्टमर्स, लाइक कमीशन चार्ज करते हैं, सर्विस चार्ज करते हैं फॉर फंक्शंस. जैसे कि हमारा पेमेंट कलेक्शन हो गया, क्रेडिट चेक्स हो गई, हमारी परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, सिक्योरिटीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विल्स एंड ट्रस्टीशिप, रेमिटेंस ऑफ फंड. ओके, देर इज दिस कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस. तो ये सारे कुछ एजेंसी फंक्शंस होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के. कमर्शियल बैंक कलेक्ट चेक्स, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फंडिंग्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर कस्टमर्स. दे मेक वेरियस टाइप ऑफ पेमेंट्स ऑल्सो, लाइक प्रीमियम, पेंशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे पेमेंट्स कौन करता है? कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक जो है वो कस्टमर्स के बीच में और सेल एंड परचेज की सिक्योरिटी के बीच में एजेंट की तरह भी काम करते हैं. ऑल्सो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द कंपनीज बाय एक्टिंग एज अंडरराइटर्स एंड बैंकर्स. ठीक है, और एजेंसी का जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया. एंड
कमर्शियल बैंक जो है वो ट्रस्टीज की तरह भी एक्ट करते हैं एंड एग्जीक्यूटर्स की तरह, जैसे कि दे कीप द बिल्स ऑफ देयर कस्टमर्स एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ. और फिर आती है हमारी मिसलेनियस सर्विसेज, जैसे कि यू हैव योर गिफ्ट चेक्स, ओके, इशू ऑफ ट्रैवलर्स चेक, कस्टडी ऑफ ज्वेलरी, प्रोविजन ऑफ टैक्स असिस्टेंस, क्रेडिट क्रिएशन इज देयर. ऑलराइट, क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन? बेसिकली कमर्शियल बैंक्स के पास एक पावर होती है क्रेडिट क्रिएशन. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हो आप एंड देन यू ग्रांट लोन्स एंड कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ दिस. एंड दिस मीन्स दैट दे आर एबल टू ग्रांट मोर लोन्स दैन द अमाउंट ऑफ इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट्स दैट आर मेड बाय द कस्टमर्स टू देम. और इस फंक्शन को बहुत प्रोमिनेंट फंक्शन माना गया है कमर्शियल बैंक का. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज आर कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो इज आर मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर विच कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड एज रिजर्व इधर इन कैश और डिपॉजिट. ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? विद सेंट्रल बैंक. ये सेंट्रल बैंक ही फिक्स करता है. इट इज अ टूल इन मॉनेटरी पॉलिसी जो की क्रेडिट के वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, तो यू शुड हैव सर्टेन अमाउंट रिजर्व विद यू. अनदर वन इज आवर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो. व्हाट इज दिस? इट रेफर्स टू द मिनिमम पोर्शन ऑफ डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, जैसे कि गोल्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स. फिक्स सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट. ठीक है, देन हमारा लीगल रिजर्व रेशियो. लीगल रिजर्व रेशियो कंप्राइज ऑफ बोथ CRR एंड SLR. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज जब हम CRR की बात करते हैं वी कैन से दैट CRR इज इमीडिएट लिक्विडिटी नीड, और SLR क्या है? इट इज टू फोल्ड. ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी यूज होता है, लिक्विडिटी के लिए भी. तो LRR जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. ओके, अब हम बात करते हैं सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक की, कि वो किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं. सबसे पहला तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, हम ये तो एक प्रोमिनेंट प्रिंसिपल है सेफ्टी. देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी इकोनॉमी. ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट्स, इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरी बैंक इटसेल्फ. देन एक प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ऑफ सेविंग, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी. हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी मेजर प्रिंसिपल्स हैं. देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज. दीज वर सर्टेन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स. नाउ अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ लिक्विडिटी की, क्या है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी? यानी कि डिपॉजिट्स जो है वो डिमांड के बेस पे रिपेएबल होते हैं एंड ऑन और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड. तो एवरीडे डिपॉजिटर्स ईदर डिपॉजिट और विथड्रॉ द कैश. टू मीट द वेरी डिमांड ऑल द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश इन देयर कस्टडी. तो ये प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं, थोड़ा बहुत कैश तो हमेशा दे शुड हैव. प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बेसिक एजेंडा क्या है? टू जनरेट प्रॉफिट. प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी का क्या मतलब है? कि जो बैंक्स हैं वो फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए और एक रिक्वायर्ड कैपिटल उनके पास हमेशा होनी चाहिए. देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, जो फंड्स हैं बैंक के पास दे शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट द फंड्स. ओके, एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ऑफ सेविंग्स. यानी कि कमर्शियल बैंक जो है वो हमेशा एक ह्यूज अमाउंट उनके पास होती है जो कि वो क्लाइंट्स उनके पास इन्वेस्ट करते हैं जो उनके पास आइडल मनी है. ठीक है, तो बैंक्स आजकल क्या कर रहे हैं? इस मनी को टारगेट कर रहे हैं ताकि मोर एंड मोर सेविंग जो है वो जनरेट कर सके फॉर द पीपल. तो ये एक उनका बेसिक एजेंडा होना चाहिए फॉर अ हेल्दी कमर्शियल बैंक अंडरगोइंग. ऑल्सो देयर इज प्रिंसिपल ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. हमें पता है कि द मेन अर्निंग सोर्स ऑफ कमर्शियल बैंक इज लेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग मनी. तो ये एक बोनाफाइड तरीके से होना चाहिए सो दैट दे शुड हैव अ साउंड इन्वेस्टमेंट. हमने फिर बात की थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी की, विच इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी इज देयर, प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. ऑलराइट, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स. नाउ
Now we will move on to central bank. What is a central bank? Central bank is the apex institution which is charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of volume of money. Theek hai? And it is also responsible for the supply of general economic welfare. Iske bhi kuch functions hai. Kya functions hai iske? It acts as a lender of last resort to banks. जब बैंक्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, दे मूव टू द सेंट्रल बैंक. ये नोट्स एंड कॉइन्स इशू करता है. इट आल्सो सेट द स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स इन द कंट्री. टारगेट सेट करता है, इन्फ्लेशन टारगेट सेट करता है. ओके, एंड स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम इंश्योर करता है, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करता है. तो हमने इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी की फॉर्मुलेशन को क्या करता है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक नोट्स इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. ठीक है, देयर इज मोनोपोली ऑफ नोट इशू एंड बैंक एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक की प्रोमिनेंट फंक्शंस हैं. सो वी स्पोक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड नाउ एक और इम्पोर्टेंट पार्ट सेंट्रल बैंक की जो सबसे प्रोमिनेंट एक एग्जाम्प हम एग्जाम्प्ट कर दी थी मैंने, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है, दैट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो इंडिया में आरबीआई जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रूपी. फॉर दिस पर्पस द बैंक होल्ड्स द मोस्ट ऑफ द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो कौन है कस्टोडियन? हमारा सेंट्रल बैंक. ओके, दीज वर सर्टेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. क्रेडिट कंट्रोल हमने पढ़ लिया है. यस, so these were the functions of central bank. और हमने सारे bank system के functions के बारे में पढ़ा है. okay, with this the whole video comes to an end. हम एक बार overview लेते हैं to what we have studied till now. हमने पढ़ा banking क्या है, types of commercial banks हमने पढ़े, functions पढ़े हमने commercial bank के, बहुत सारे functions हमने पढ़े. हमने CRR, SLR और LRR को पढ़ा है. then we spoke